हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर एंड फोटेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाभना की तरफ से आने वाला एक स्मार्ट डिजिटल डोर लॉक जिसका मॉडल है L824। ये लाभना की तरफ से आने वाला एक ऐसा डिजिटल लॉक है जिसको 6 अलग अलग डिफरेंट वे से अनलॉक किया जा सकता है। इसको फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया जा सकता है, इसको RFID टैग से अनलॉक किया जा सकता है, इसको पासवर्ड एंटर करके अनलॉक किया जा सकता है, ये मैनुअल की से अनलॉक किया जा सकता है, इसको OTP जनरेट करके OTP से भी अनलॉक किया जा सकता है और ये लाभना की मोबाइल ऐप के थ्रू भी अनलॉक किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर टाइम बेस्ड एक्सेस का ऑप्शन है और इसमें पूरे 3 साल की वारंटी मिलती है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है ग्रिटेल पैकिंग लाभना के डिजिटल लॉक की जिसका मॉडल है L824 और एक ग्लॉस फिनिश के अंदर काफी अच्छी पैकिंग है। इस बॉक्स के दोनों ही साइड में प्रोडक्ट की फोटोग्राफ दी हुई है, साथ साथ इसका मॉडल लिखा हुआ है और लाभना की ब्रांडिंग है। ये लॉक वुडन और मेटल दोनों ही दरवाजों के लिए सूटेबल है और इस पे 3 साल की वारंटी मिलती है। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसका MRP है 14,200 रुपए, मगर ऑनलाइन 10,000-11,000 रुपए के प्राइस रेंज के साथ आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक YouTube के ऊपर ग्लिटर्स एंड फोटो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। इस बॉक्स के अंदर एक यूजर गाइड मिलती है जो कि कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर है, एक डोर कटिंग टेम्पलेट मिलता है, ये 2 RFID टैग्स मिलते हैं, ये कुछ एक्सेसरीज मिलती हैं लॉक की इंस्टॉलेशन के लिए, एक इसका लॉकिंग यूनिट मिलता है, एक इसका आउटडोर यूनिट मिलता है, एक इसका इंडोर यूनिट मिलता है और साथ में मिलती है 2 मैकेनिकल कीज। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लुकिंग लॉक है। इसके फ्रंट में टॉप से लेके ये हैंडल के नीचे तक यहाँ तक ग्लॉस फिनिश का यूज किया गया है और इसके अलावा इसके साइड में, बॉटम में और ये हैंडल्स के ऊपर मैट फिनिश का यूज किया गया है। तो ये जो इसका कॉम्बिनेशन है ग्लॉस और मैट का, ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है और काफी ज्यादा प्रीमियम लुकिंग इस लॉक को बनाता है। इस लॉक के टॉप में ये फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि सिर्फ 0.4 सेकंड्स के अंदर इस डोर को अनलॉक कर देता है और ये एक 360 डिग्री फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो इसके अंदर उंगली किसी भी तरीके से रखी जाए, ये उंगली को स्कैन करके डोर को अनलॉक करेगा। इस लॉक की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ टॉप पे दिया हुआ है। नहीं तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा जो इस टाइप के लॉक्स हैं उनके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ हैंडल में होते हैं। और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर हैंडल के अंदर होता है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो कनेक्टिंग वायर है वो हैंडल तक आती है और हैंडल जब रोटेट होता है तो वो वायर भी इस तरीके से रोटेट होती है, तो वायर रोटेट होने की वजह से वो ट्विस्ट होती है और ओवर द टाइम कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज रहते हैं और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रॉब्लम करने लगता है। तो इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की लाइफ इंक्रीज करने के लिए जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो स्पेशली हैंडल की बजाय यहाँ टॉप पे दिया गया है ताकि उसके कनेक्शन सारे स्टेबल रहें और इस लॉक की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। और इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के नीचे एक कीपैड है जो कि इसको टच करने पे ये कीपैड एक्टिव हो जाता है और इसके बाद यहाँ मैनुअली नंबर प्रेस करके, पासवर्ड प्रेस करके इस लॉक को अनलॉक किया जा सकता है। और इस कीपैड के सेंटर में कार्ड लिखा हुआ है जहाँ पे RFID टच करके इस लॉक को अनलॉक किया जाएगा। और इसके अलावा इस लॉक के बॉटम में यहाँ पे एक दिया हुआ है की होल जहाँ पे मैनुअली चाबी लगा के इस लॉक को इमरजेंसी में अनलॉक किया जा सकता है। और एक इसके साथ चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है इन केस इस लॉक की बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है तो इमरजेंसी में इस लॉक को पावर देने के लिए पावर बैंक का यूज करके यहाँ पे इसको पावर दी जा सकती है। तो ये तो था इस लॉक का आउटडोर यूनिट। और इसका जो इंडोर यूनिट है ये कुछ इस तरीके का है, ये भी कम्प्लीटली मैट फिनिश के अंदर है। इसके टॉप पे यहाँ पे एक बैटरी कंपार्टमेंट है, उसके नीचे एक हैंडल दिया हुआ है और हैंडल के नीचे एक डेड लॉक को एक्टिव करने के लिए बोल्ट दिया हुआ है। और इसके थ्रू डोर को लॉक करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ ये हैंडल पकड़ना है और इसको इस तरीके से ऊपर स्लाइड कर देना है। तो स्लाइड करते ही इसके लॉक्स एक्टिव हो जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए इसके लॉक को अगर एक बारी और ऊपर करते हैं तो ये डेड लॉक्स
और ज्यादा आगे आ जाती हैं और डोर को और ज्यादा स्ट्रांगली लॉक कर देती हैं। और ऐसा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर की तरफ से भी लॉक किया जा सकता है। तो इस टाइम पे जब ये डेड लॉक एक्टिव है तो उस टाइम पर हमारा दरवाजा बंद है, और दरवाजा बंद होने के बाद बाहर की तरफ से जब ये हैंडल नीचे करते हैं तो हैंडल फ्रीली नीचे होता है बट डोर को अनलॉक नहीं करता। बट अगर अंदर की तरफ से नीचे करते हैं तो इमीडिएटली ये अनलॉक हो जाता है। और बाहर से अनलॉक करने के लिए इसमें फिंगरप्रिंट का यूज किया जा सकता है। मतलब फिंगरप्रिंट लगाते ही आपने देखा कि कितनी क्विकली अनलॉक हो गया, और उसके बाद ये डोर को एक्सेस किया जा सकता है और कुछ सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली इस हैंडल को लॉक कर देता है। और इस लॉक को RFID से भी अनलॉक करना बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ यहाँ पे RFID टच करना है और ये लॉक अनलॉक हो जाता है और इसको यूज़ किया जा सकता है। इस लॉक को पासवर्ड से भी अनलॉक करना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ इसकी स्क्रीन को टच करना है, उसके बाद यहाँ पासवर्ड एंटर करना है, और पासवर्ड एंटर करने के बाद हैश प्रेस करना है, ये लॉक अनलॉक हो जाएगा और इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपके साथ कोई गेस्ट हैं और उस टाइम पर आप चाहते हैं कि आप अपना पासवर्ड जो डालें वो सामने वाला जज ना कर पाए, तो इसके अंदर पासवर्ड स्क्रैम्बलिंग का भी ऑप्शन है। मतलब जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड है उसके पहले और उसके बाद में कुछ भी रेंडम डिजिट प्रेस कर कर आप ये हैश प्रेस करेंगे तो आपका डोर अनलॉक हो जाएगा। जैसे मेरा पासवर्ड है 2525, तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर्स एंटर करूँगा, फिर अपना पासवर्ड 2525 डाल के आगे कुछ भी नंबर्स एंटर करके हैश प्रेस करूँगा तो मेरा डोर अनलॉक हो जाएगा। और मेरे साथ जो मेरा कोई गेस्ट खड़ा होगा उसको इस पासवर्ड के बारे में पता भी नहीं लगेगा। और अगर आपको इस डोर का एक्सेस अपने किसी गेस्ट को सिर्फ एक बार देना है तो इसके अंदर OTP का भी ऑप्शन है। मोबाइल ऐप का यूज़ करके OTP जनरेट करके उस गेस्ट को अगर आप देंगे तो एक बार ही उस OTP का यूज़ करके इस डोर को अनलॉक किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर टाइम बेस्ड एक्सेस का भी ऑप्शन है। इसका यूज़ करके अगर आपकी कोई मेड, हाउस हेल्प, कोई गार्डनर या कोई बाथरूम क्लीनर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आता है, ये लेट सपोज़ कि जैसे मेरे घर में मेरी मेड सुबह 9 से 12 के बीच में होती है, तो उस टाइम पर मैं एक पासवर्ड उसको दे सकता हूँ कि रोज़ 9 से 12 के बीच में ही वो पासवर्ड जब वो डालेगी तो ये डोर अनलॉक होगा। और अगर उसके बाद वो मेड रात को आती है और वो पासवर्ड डालती है तो ये डोर अनलॉक नहीं होगा। इसके अंदर RFID का भी फीचर है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि RFID टैग को टच करते ही इस डोर को अनलॉक किया जा सकता है। इसके अंदर पासवर्ड का भी फीचर है। इसके अंदर पासवर्ड डालकर इस डोर को अनलॉक किया जा सकता है, और इसके अंदर टोटल 100 पासवर्ड्स को एट ए टाइम रजिस्टर किया जा सकता है। और अगर आप कंप्लीटली प्राइवेसी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाहर से अंदर कोई भी ना आए, इनफैक्ट अगर वो करेक्ट पिन या करेक्ट फिंगरप्रिंट डाले तो भी वो डोर को एक्सेस ना कर पाए, तो अंदर की तरफ एक डेड लॉक का ऑप्शन है। इसको एक्टिव करने के बाद अगर कोई बाहर से फिंगरप्रिंट या फिर अपना कोई करेक्ट पासवर्ड भी लगाता है तो भी वो डोर को एक्सेस नहीं कर सकता और डोर के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। और अगर कभी इन केस इस लॉक की बैटरी टोटली ड्रेन आउट हो जाती है तो उस केस में इसको इमरजेंसी में पावर देने के लिए नीचे एक पावर पोर्ट दिया हुआ है। पावर बैंक का यूज़ करके इसको पावर देकर अपने पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से इस लॉक को अनलॉक किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि इस डिजिटल डोर लॉक को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जा सकता है, चाबी का यूज़ किया जा सकता है, मोबाइल ऐप का यूज़ किया जा सकता है, पिन का यूज़ किया जा सकता है, OTP से अनलॉक किया जा सकता है इसको, और RFID कार्ड से अनलॉक किया जा सकता है इसको। इसके अंदर टाइम बेस्ड एक्सेस का ऑप्शन है। बैटरी ड्रेन आउट होने पे इसके अंदर इमरजेंसी पावर देने के लिए USB पोर्ट है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा इजी है। इसको लॉक और अनलॉक करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और क्विक है। इसके पास रिकॉर्ड्स को चेक किया जा सकता है। इसके अंदर पिन और फिंगरप्रिंट को बहुत इजीली मोबाइल के थ्रू ही ऐड और डिलीट किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी लावना का ये डिजिटल स्मार्ट लॉक सिर्फ 11,000 रुपए के आसपास आपको मिलता है। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रही हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो ये थी लावना के इस डिजिटल लॉक की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोज रेगुलर बनाता रहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोज रेगुलर देखना तो YouTube के ऊपर ग्लिटर सैमसंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं, ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलें आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।